दीपिका पादुकोण, अनन्या पांडे और सिद्धांत चतुर्वेदी नजर आएंगे एक फिल्म में एक साथ। करण जौहर ने किया कंफर्म कि शकुन बत्रा की फिल्म में दीपिका, अनन्या और सिद्धांत प्ले करेंगे लीड रोल। दीपिका पादुकोण, सिद्धांत चतुर्वेदी और अनन्या पांडे की ये फिल्म एक रिलेशनशिप ड्रामा होगी, जिसमें हर एक कैरेक्टर को अच्छी तरह से अपने टैलेंट को दिखाने का मौका मिलेगा। इस न्यूज को कंफर्म करते हुए करण जौहर ने कहा है, शकुन हैज डायरेक्टेड वन ऑफ द मोस्ट अक्लेम्ड फिल्म्स ऑफ धर्मा प्रोडक्शंस, कपूर एंड सन्स। विद दिस मूवी ही ऑल्सो टर्न्स प्रोड्यूसर विद अस। His upcoming directorial is an intriguing relationship drama which will release on Valentine's Day 2021. I am proud and excited about Shakun's vision as a versatile filmmaker. करण जौहर ने अभी से इस फिल्म की रिलीज डेट को भी कंफर्म कर दिया है। ये फिल्म वैलेंटाइंस डे 2021 पर रिलीज होगी। इस फिल्म की शूटिंग नेक्स्ट ईयर फरवरी में शुरू होने वाली है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि दीपिका पादुकोण काफी सोच समझकर इस फिल्म को साइन कर रही हैं, क्योंकि फिल्म छपाक और 83 के बाद ये उनका तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट है आफ्टर हर मैरिज। सोर्सेस की माने तो दीपिका एक साथ कई फिल्म साइन नहीं करना चाहती, वो एक वक्त में एक ही प्रोजेक्ट पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहती है। ऐसे में 2020 के एंड में ही वो अपनी किसी दूसरी फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगी। वैसे फिल्म के डायरेक्टर शकुन बत्रा ने अपनी इस फिल्म को लेकर एक ऑफिशियल बयान देते हुए कहा है, इट्स अ रिलेशनशिप ड्रामा वेयर द कैरेक्टर्स फाइंड देमसेल्व्स स्टक इन अ मॉरली एम्बिगुअस जोन। वेल, शकुन अपनी इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं, और ये एक अच्छा मौका है फॉर सिद्धांत एंड अनन्या एज वेल, क्योंकि इन दोनों स्टार्स की ही ये तीसरी फिल्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। वॉच ईटाउन न्यूज मंडे टू फ्राइडे एट 9:30 PM ओनली ऑन जूम।